सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, और जो हमारा टॉपिक है उसको ओपन कर लेते हैं। एनिमेशंस, एनिमेशंस हमारा आज का टॉपिक है और हम ये एनिमेशन सीखेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास जूम इन पैन आ जाता है और एनिमेशन आता है। इसमें एक्चुअल साइज, फिट टू स्क्रीन, सो मीडिया लेते हैं जिसपे हम एनिमेशन का इफेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह किसी भी चीज़ पे हम एनिमेशन का अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस पे डिफरेंट चीज़ों पे एनिमेशन का अफेक्ट करके बताया है। एनिमेशन पे आते हैं, सो ये हमारे पास एनिमेशन आ गई। इस पे हम कोई भी अगर अफेक्ट हम सेट करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले जूम इन पैन पे, जूम इन पैन पे अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे बात किस चीज़ की, कि किस चीज़ के बारे में मैं इधर जूम इन को फिट करना चाहता हूँ और उस एरिया को सिलेक्ट करना है और वो हमें जूम इन करके प्रेजेंट करेगा। सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं इस जूम इन को फिट करना चाहता हूँ दिस पीसी पे, इतना कि ये चीज़ प्रेजेंट हो। तो यहाँ से हमने इस स्केलिंग को सेट कर लिया, इतना सा ये चले जूम इन हो पे और जूम आउट हो जाए। तो प्ले करके देखते हैं कि क्या इसने कैसा इफेक्ट किया है। ये इसने जूम इन का इफेक्ट दिया हुआ है और यहाँ जाके जूम आउट की इसने इसको सेटिंग किया कहाँ तक चले। तो ये यहाँ से यहाँ पे इसने जूम किया इस चीज़ को, और देखिए इसको कोई टेंशन नहीं लेनी बार की स्केलिंग की, वो आपसे यहाँ से आप जाके फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं दोबारा नॉर्मली, यहाँ से आगे फिट टू स्क्रीन हो जाए तो ये इजीली फिट टू स्क्रीन पे दोबारा वापस आ गए, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सो दोबारा एनिमेशन पे जाते हैं, जिस चीज़ पे आपने जो भी एनिमेशन सेट करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे ना। आप कोई टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं या कोई हॉट टॉपिक है, जैसे एम एस वर्ड 2016 का आप बताना चाह रहे हैं एनिमेशन टाइप की, सबसे पहले जूम हो, जूम आउट हो, लेफ्ट साइड से कैसे प्रेजेंट हो, ये राइट साइड पे आए छोटा हो और एकदम अबव हो जाए, तो इस तरह का भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को यहाँ पे अपने मीडिया को पहले सिलेक्ट कर ले और उस पर सिलेक्टेड मीडिया पे इफेक्ट डाल देते हैं और ये ऐसे देखें इसने नीचे का सेट कर ली कि ये ऐसे प्रेजेंट होगा ऐसे। तो प्ले करते हैं यहाँ से और ये देखें छोटा हुआ और ये एकदम पे दोबारा से हमने यहाँ से फिट टू स्क्रीन करना है। जूम पैन पे जाएंगे, यहाँ से आगे से कहेंगे भी फिट टू स्क्रीन पे वापस आना। थोड़ी सी प्रैक्टिस वर्क है, स्टडी वर्क है, आपने इस चीज़ को स्टडी करनी है ताकि आपके लिए आगे प्रॉब्लम ना हो। इसको कहते हैं स्केलिंग, इसके आगे से फिट टू स्क्रीन ही करते और ताकि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्केलिंग इसकी यहाँ पे ये हमने सेट की हुई है, इसको दोबारा से यहाँ से आगे इसकी सेटिंग दोबारा से कैसे होगी, एनिमेशन किया, फिट टू स्क्रीन किया, इसने एक्चुअली पिक किया हुआ है सारे को। तो यहाँ पे जाके करते हैं, ये एक साइड पे भी प्रेजेंट कर रहा है लेकिन हमने एक्चुअल में इसे वापस लाना है एक्चुअल साइज में और इसके फिट करना है और यहाँ पे इसको कर देते हैं रिमूव और इसको भी रिमूव हो गया। दोबारा से स्केल फिट टू स्क्रीन अफेक्ट इस पर पूरे पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, अब इस इफेक्ट को रिमूव कैसे करना है। प्रॉपर्टीज हमने कहाँ से किया था, तो ये हमारा यहाँ से क्यों आ गया, इसकी ड्यूरेशन ये बार बार में सेट होगी, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा एक्चुअल साइज पे आ जाए। ये भी एक्चुअल साइज पे आ गया क्योंकि इस पर इफेक्ट लगा हुआ था। आप इफेक्ट को बाद में रिमूव करना चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके एनेबल या डिलीट भी कर सकते हैं और या डायरेक्टली इसको जहाँ तक लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट्स अब मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया और फिर मैं जाता हूँ दोबारा फिट टू स्क्रीन हो तो वो कैसा किया। ये अभी हमारी स्केलिंग इसको फिट स्क्रीन किया तो अभी बिल्कुल एक्चुअल साइज पे आ गया, क्योंकि उस पर इफेक्ट लगा हुआ था वो इशू कर रहा था और ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी सॉल्व हो गई। सो कोई मुश्किल नहीं है,
प्रैक्टिस वर्क है, आप इन सब पे आके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फुल ओपेसिटी इफेक्ट्स रिस्टोर, ये रिस्टोर हो रहा है किसी चीज़ का, किसी भी वीडियो के आप जो भी इफेक्ट डालना चाहेंगे जाएंगे वो इजीली डल जाएगा। तो इसके इसकी सेटिंग हो स्केलिंग ये है जी, ओपेसिटी लाइट करना चाहें, डार्क करना चाहें, जो भी आप यहाँ से सेटिंग करना चाहें, जो इफेक्ट्स देना चाहिए, वर्ड ऑडियो अगर भी साथ प्रेजेंट हो रहा है तो ये गेम का मतलब इसका साउंड लाउड करना चाहें तो इससे लाउड भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये इसकी बाकायदा हर तरह की स्केलिंग डिफाइन है। स्केलिंग के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, इनको अप एंड डाउन सेट करना चाहें तो ईजीली कर सकते हैं। सो उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टडी पर, हमारा टॉपिक है ऑडियो इफेक्ट्स, हम ऑडियो इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, ऑडियो इफेक्ट्स में कैसे हम चेंजिंग कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, शोर और डिस्टॉर्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं, जो भी होगा हम लिटिल बिट ऑडियो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिनी सॉल्यूशन। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑडियो इफेक्ट्स।